श्री सिद्ध रूप महादेव मंदिर सिंदरथ। सिंदरथ का ये महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन जैसा नाम है सिद्ध रूप महादेव मंदिर, यहाँ ये एक सिद्ध मंदिर है, सिद्ध भूमि है, तपोभूमि है। ये एक बरसाती नदी के समझो किनारे बना हुआ मंदिर है और पूरी तरह से हरा भरा है। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं, अनेक खास बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात दिखाई दे रही है, जो अक्सर होनी चाहिए मंदिर में, जो मंदिर की पहचान होती है शिव मंदिर की, वो है यहाँ के ये बड़े बड़े वृक्ष। यहाँ दो बड़े वृक्ष हैं, एक जो देव वृक्ष बरगद का वृक्ष है और एक ये इमली का वृक्ष है। ये दोनों ही वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी उम्र हजारों हजारों साल होती है, ऐसा वनस्पति विज्ञान मानता है। बरगद को देव वृक्ष कहा है, पीपल को देव वृक्ष कहा है, और इसलिए हमारे पूर्वज या संत या ज्ञानी या जो भी पर्यावरणविद थे, जाने अनजाने में उनको पर्यावरण का पूरा ज्ञान था, वो बरगद को बहुत महत्व देते थे, बरगद लगाते थे, बरगद की पूजा करते थे, और बरगद को काटना तो लगभग नामुमकिन था। बरगद का एक तिनका भी उसका कोई निजी स्वार्थ के उपयोग में नहीं लेते। ये दोनों वृक्ष हमको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। अगर इन पेड़ों के ऊपर नजर डालें तो मान के चलिए कि हजारों हजारों पक्षियों का इनमें बसेरा होगा। हम अगर यहाँ शाम का या इस तरह का रात्रि का नज़ारा देखें तो हम पक्षियों की हम आवाज़ सुन सकते हैं। अब देखिए कितना विशाल बरगद है। बरगद शिव का प्रिय है, शिव निवास करते हैं बरगद में। ये जटाएं, जिनको हम जटाएं कहें, ये शिव की जटाएं भी इनको हम मान सकते हैं। ये श्री सिद्ध रूप महादेव मंदिर है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। यहाँ हम गणपति जी के भी दर्शन करते हैं। ये इनका धूना है, स्वाभाविक रूप से मंदिर की एक विशेष पूजा अर्चना होती है, और ये इस मंदिर के हम सबसे पहले दर्शन करते हैं। ये हम लगातार जब भी मंदिरों के दर्शन करते हैं तो हमको एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ सुंदर सी माँ शिव जी की आरती हम देख रहे हैं, और ये शिव चालीसा है। यहाँ हम बहुत जैसा नाम है इस मंदिर का, श्री इच्छाधारी सिद्ध रूप महादेव प्रसन्नोस्तु। यहाँ आने के बाद हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, ये एकदम सच बात है। श्री महादेव जी के हम दर्शन करें, जहाँ जल की बूंदें गिर रही हैं, जल से आपका अर्पण हो रहा है, और यहाँ आप श्री गणेश जी भी विराजमान हैं, श्री पार्वती जी, ये जो परिवार है इनका, और ओम नमः शिवाय की धूम चल रही है। ओम नमः शिवाय का एक मानसिक नाद चल रहा है, जिनको कुछ भक्त सुन सकते हैं। ये हम देखते हैं नंदी, जो महादेव की सवारी है। इस मंदिर में बहुत कई बातें हम देख रहे थे, खास रूप से यहाँ वृक्ष बहुत हैं, और लेकिन वृक्षों में जो वृक्ष हैं जिनको हम बरगद कहते हैं, ये यहाँ की खूबसूरती है। यहाँ आप यहाँ का पर्यावरण निश्चित रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक बावड़ी है जो बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। हम इस पे भी एक नज़र डालें। बावड़ी अभी ये काफ़ी गहरी है, और यहाँ उतरने का और साधन है। सेफ्टी के हिसाब से चारों तरफ हमने यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, यहाँ श्री कांतीलाल जी हैं पुजारी, जो यहाँ की पूजा देखते हैं, करते हैं, और यह व्यवस्था देखते हैं। मैं इस मंदिर के चारों तरफ के इस विहंगम नज़ारे को अवश्य दिखाने में अपने आप को अच्छा महसूस करूँगा। यहाँ हम ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये सामने ये सिंदरथ से लगभग 1 किलोमीटर हम डिस्टेंस मान सकते हैं। और ये एक एनीकट बनाया हुआ है सरकार ने। सरकार का एक सिस्टम होता है पानी की गति को धीमा करने के लिए, इस तरह के एनीकट बनाए जाते हैं, बनाने चाहिए, बनाने की आवश्यकता रहती है। यहाँ हम श्री सिद्ध रूप महादेव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर में हमने दो बातें देखी। ये इस मंदिर का धूना है और धूना महादेव बहुत सुंदर। हम धूने के दर्शन करें और निश्चित रूप से ऐसे सिद्ध स्थानों पर संतों ने तप किया होता है, करते ही हैं, क्योंकि ऐसे स्थान ये साधना के लिए बड़े अनुकूल होते हैं। यहाँ हमको कुछ सिद्धों के दर्शन भी हो रहे हैं और हम देखें ध्यान से, और यहाँ की उस एक सकारात्मक ऊर्जा को हम अनुभव करें। हम देखिए, जीवन में अगर हमने हमारा कल्याण की चिंता नहीं की तो हम समझदार नहीं हो सकते। संसार में मैं भर्तृहरि की बात को कोट करके कहता हूँ, भगवान भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि, योगेश्वर भर्तृहरि जब इस बात को कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुले चुति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने तैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्री वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नना वैराग्य मेवाय भयम। ये हम जरूर सुने, एक बार इस धुन को सुनिए आप। ये शंकर की धुन है, ये शंकर का नाद है, शंकर का डमरू है, जो हमको सुनना चाहिए। और हम इसी के साथ आज श्री बहुत सुंदर श्री सिद्ध रूप महादेव मंदिर, जो निश्चित रूप से इच्छाधारी महादेव हैं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। हम इसी के साथ इस विहंगम यात्रा को यहाँ विराम दें। उससे पहले एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलो श्री सिद्ध रूप महादेव की जय।